हेलो दोस्तों, कुकिंग विद आस्था चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मीठी सेवैया की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब भी आप सेवैया बनाएं तो अक्सर दूध जो है वो फट जाता है, तो ऐसा क्यों होता है आज हम ये भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सेवैया बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना है, उसके अंदर हमने घी ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर सेवैया को ऐड कर लेंगे। ये जो सेवैया है दोस्तों, ये मोटी सेवैया है। कुछ सेवैया जो होती है काफ़ी बारीक होती है, जिसको हम दूध में डालते हैं वो तुरंत ही गल जाती है, मगर इसे पकने में लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि ये मोटी सेवैया है तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा देर तक हम इसे दूध में पकाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे घी में बहुत ही अच्छे से धीमी फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। लगभग 1 मिनट के लिए हमें इसे बहुत ही अच्छे से रोस्ट कर लेना है। सेवैया का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हमने गैस को बंद कर देना है और दूध को हमने उबालने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ हमने कस्टर्ड पाउडर जो कि 1 चम्मच हम एक कटोरी में ले लेंगे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करके इसे बहुत ही अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। दूध को हमने उबलने के लिए रख दिया है धीमी फ्लेम पे। 2 से 3 बार जब दूध में उबाली आ जाएगी, हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर का जो घोल है वो हम ऐड कर देंगे। अब हम दूध के अंदर ऐड कर देंगे कस्टर्ड पाउडर का घोल और हमने इसे कुछ देर के लिए पकने देना है। अब हम सेवैया ऐड कर देंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम सेवैया को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि ये जो सेवैया है ये मोटा है और इसे पकने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है कंपेयर टू जो बारीक सेवैया आता है उसके। अक्सर लोग सेवैया बनाते हैं तो दूध हमेशा फट जाता है। ऐसा मोस्टली तब होता है जब आप सेवैया बनाते वक्त चीनी को पहले ही डाल देते हैं सेवैया में। जब भी आप सेवैया बनाएं तो चीनी को पहले ना डालें। जब भी आप गैस की फ्लेम को बंद करने वाले हो, जब सेवैया बहुत ही अच्छे से पक जाए, तो लास्ट में चीनी को ऐड करें। धीमी फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाएं और उसके बाद गैस को बंद कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेवैया बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर दिया है। हमने गैस की फ्लेम को अब लो कर दिया है। लो फ्लेम पे हम इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि जो सेवैया है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। बस चीनी हमने ऐड किया है, तो चीनी को गलाने के लिए हम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। सेवैया बन करके रेडी हो चुका है, हमने गैस को बंद कर दिया है। तो आप जब भी सेवैया को सर्व करें तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर सकते हैं, इससे जो टेस्ट है सेवैया को और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन में आपको जानकारी मिलती रहे। आप चाहे तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।